ये कोई एमरजेंसी अजलास जो है वो फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए बुलाते, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए बुलाते। उन्होंने अजलास बुलाया कि मियां शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाला जाए और वो वजीर दाखला पिंडी का शैतान जो है वो झूठ बोल रहा है कि जी हमने जो है वो ECL में नाम नहीं डाला। भाई अगर तुम कल रात बैठ के ये कह रहे हो TV पे कि जी अभी जो है वो काबीना से समरी वापस नहीं आई और वो समरी जो है वो सुबह वापस आ जाएगी तो हम फिर नाम ECL में डालेंगे, ओ भाई नैब के दफ्तर खुले तो दरख्वास्त लिखी गई इन छुट्टियों में, उसके बाद वो दरख्वास्त जो है वो वजारत कानून और वजारत दाखला के दफ्तर खुले छुट्टियों में तो वो दरख्वास्त जो है वो प्रोसेस हुई। वो प्रोसेस होने के बाद कैबिनेट डिवीजन में गई, वहाँ पे उसकी फाइलें बन के फिर सर्कुलेशन में वो कैबिनेट के पास गई, तो उसके बाद ही फिर जो है वो आपको आगे वो समरी जो है वो आज मौसूल हो रही है। यानी इस मरहले पे भी ये हुकूमत जो है ना, इससे आवाम की फिक्र है कि किस तरह से रोज़ों के साथ लोग आटे के लिए और 1 किलो चीनी के लिए जो है वो रोज़े से पूरा पूरा दिन जो है वो लाइनों में खड़े रहे, मुसलमानों पे किस तरह जुल्म हो रहा है, इनको सवाए इंतकाम के और सवाए अपनी ATMs को भरने के जो है वो और कोई काम नहीं है। ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के ऊपर एक अजाब है और ये ऐसे लोग हैं कि जिनको ना इस मुल्क से, ना मुल्क के अवाम से और ना मुसलमान मजलूमों से, वो फलस्तीन में हो या कश्मीर में हो, इनको कोई सरोकार नहीं है। ऐसी हुकूमत जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करना न सिर्फ अपोजिशन बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर तबके का फ़र्ज़ है। और अब ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला PDM की सरबराही मीटिंग में जो है वो भरपूर फैसले होंगे और इस करप्ट नाअहल और ऐसी हुकूमत जिसका इंतकाम के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर जदोजहद की जाएगी ताकि वतन अजीज़ जो है वो इनसे जो है वो जान छुड़ाई जाए और ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। राणा साहब ये बताइएगा कि आपने बताया कि आटा महंगा है, महंगाई है, लेकिन अपोजिशन जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। अब जो है वो ईद गुजर चुकी है, इसके बाद भी अपोजिशन जो है वो देखिए अपोजिशन ने जो है इससे पहले भी जो है वो रैलीज की शक्ल में, जलसों की शक्ल में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। ठीक है, जो हमारा मरहला था लॉन्ग मार्च का, उसमें इस्तीफ़ों के ऊपर आके जो है वो इख्तलाफ हुआ है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उस मसले के ऊपर जो है वो जब आप सरबराही मीटिंग होगी तो उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि ये जो जुल्म इस मुल्क के अवाम पे हो रहा है इनकी करप्शन की सूरत में, ये जिस तरह से जो है वो चीनी आटा अदवियात हर चीज़ जो है उसकी कीमतें जो है वो 3 से 6 गुना तक बढ़ गई हैं और ये इतनी बेहस हुकूमत है कि इसको फलस्तीन में बहता हुआ बेगुनाह मुसलमानों का खून जो है वो नज़र नहीं आया। इनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मियां शहबाज शरीफ का नाम जो है वो छुट्टियों में कार्रवाई करके, अजलास करके, सर्कुलेशन करके जो है उनका नाम जो है वो ECL में डालना है। सर ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो, उसने भी अपोजिशन के साथ जाने की कोई देखिए हमारा जो है वो जहांगीर तरीन साहब से कोई रबता नहीं है, मैं गलत बात करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसकी हम मजम्मत इसलिए करते हैं कि इन्हीं कारोबारी ट्रांजैक्शन के ऊपर जब शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, उनके कारोबार के ख़िलाफ़ जो है वो जब ये सारा हो रहा था तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि ये कारोबारी मामलात को क्रिमिनल केसेस में डाला जा रहा है, इनको मनी लॉन्ड्रिंग बनाई जा रही है और इनको जो है वो ECP के बजाय जो
जो है वो कार्रवाई नैब और एफआईए में हो रही है, तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब तो खामोश थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है वो भी इंतकामी कार्रवाई है, और किसी भी कारोबारी जो है वो ग्रुप के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो आज़ादी के साथ अपना बिजनेस कर सकें और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके। शुक्रिया।